गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन प्रियंका। मैं हूं प्रियंका और अभी मैं खा रही हूं, सुबह का भी ब्रेकफास्ट कर रही हूं। ठीक है, आज ब्रेकफास्ट में है पराठा, हम लोग इसको बोलते हैं चिरा पराठा, और इसके साथ ये मटर की सब्जी, आलू मटर की, जिसमें पानी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में, इतना भी यहाँ पे खा रही है, आपके भैया का है, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे घर का जो काम डेली करना पड़ता है वही करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, चलिए गाइस, हम लोग आ चुके हैं किचन में, अभी देखिए कुकिंग करेंगे। तो उसके लिए झटपट से सब्जी तो काट लिया है मैंने, रात को ही मैंने काट के रख दी थी, और अभी मैं जो मतलब आलू है आलू को काट रही हूँ, क्योंकि आलू रात में काट के रखने से काला हो जाता है, इसीलिए काट के नहीं रख पाई। सारा सब्जी ये देखिए पैकेट में कट कट करके मैंने अलग अलग से रख दिया है ताकि सुबह झटपट हो जाए, क्योंकि हम लोग तो लेट से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सो के उठते हैं लेट। और यहाँ पे देखिए प्रीता क्या कर रही है, मेरी हेल्प कर दे रही है, वो भी आलू को छील के मेरे को दे रही है और मैं कट कर दे रही हूँ। गाइस देखिए यहाँ पे आलू और इसको क्या कहते हैं हिंदी में, नाटू चोटू नाम मिल गया हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये दोनों को देखिए एक सब्जी बन रहा है। और यहाँ पे हम लोग का राइस हो मतलब आधा हो गया, ये गुल्लू पुट्टी लोग का चिकन है, तो गुल्लू पुट्टी लोग का राइस है, और यहाँ पे है करेला और पटल देखे भाजी है, और यहाँ पे है स्पिनच, बैगन देखे बड़ी देखे सब कुछ देखे ये है, और ये रहा आलू और दांती चूसू की सब्जी। और गाइस देखिए यहाँ पे मैं तभी बैठ गई हूँ गुल्लू पुष्टि को खाना खिलाने, और सब मैंने सब्जी वब्जी तो रात को काट के रखी थी और थोड़ा सा जो काटना था काट के दे दिया, तो फिर मैं यही आज खाना बना रही हूँ, मेरे को बनाने मैं भी वहाँ पे बैठ के ये सब अरबी बना रहे। हाँ, अरबी का सब्जी बन रहा है, अरबी और आलू के साथ सब्जी, और बन गया है पालंग का साग, बैंगन आलू और वड़ी दे के, और बना है परवल और करेला और प्याज देके एक भाजी बनी। ये इसके मेन्यू और सलाद का मेन्यू है। आप के भैया को कब से बोलो जाओ, तुम अपना काम दोस्त का काम वो जो काम करते हैं थोड़ा बहुत वो कर लेंगे, मैं भी थोड़ा बहुत अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन वो मेरा भी काम कर दे रहे हैं, लेकिन खाना वाना सब वो ही बना रहे हैं, मैं ही वहाँ खुद बैठी हूँ। देर बजने वाले हैं तो मैंने चलो मुर्गी को खाना खिला लेते हैं, और उनके मुर्गी से ना ब्लर और स्किन बहुत मतलब रफ टाइप हो गया, तो उनके बॉडी में थोड़ा सा आज ऑयल मसाज करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी किस तरह से करूँगी, और जिस जिसके घर में पेट है वो भी कर सकते हो। चलो पहले खाना खिलवा लेते हैं, और यहाँ पे पीठा का नहाना कम्प्लीट हो गया है, अब लोग पूजा करेगी। बस नगमे तेरे प्यार की गाते ही जाए, काश के हम होश में अब आए
तो गाइस देखिए यहाँ पर अभी गुल्लू को मैं ऑयल लगा रही हूँ। ये है कोकोनट ऑयल, ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, शालीमार या उपतोम, ये सब भी अच्छा होता है, अब ये सब लगा सकते हो। इसके साथ मैंने यहाँ पे मिक्स किया है एक कपूर जो होता है, एक कपूर का एक टुकड़ा लेके एक गोल टुकड़ा मिक्स किया है इसमें, मिक्स करके अभी गुल्लू के स्किन में मैं लगा रही हूँ। ठीक है, स्किन अगर ड्राई हो जाता है तो ऐसे लगाने से बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए ये पूरा इसके स्किन पे मैं लगा देती हूँ अच्छे से, फिर कल इसको शैम्पू करवा दूंगी, है ना, तो इसका ड्राइनेस खत्म हो जाएगा। ये आप लोग लगा सकते हो अपने पेट्स के हेयर कोट में, तो हेयर भी शाइनी रहता है और जो ड्राइनेस बीची स्किन होता है वो भी चला जाता है। गाइस अभी देखिए अमिता को खाना दे रही हूँ, ठीक है, आज खाने में क्या क्या बना है तो आपको बोले ही है आपके भैया, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए ये पालक का साग है, ये है करेला और परवल और प्याज देके भाजी बना है, और यहाँ पे है क्या बोले इसको, अरबी, ये मैं भूल जाती हूँ बार बार, अरबी और आलू का सब्जी। सब चला गया है पिता के प्लेट में, बस पिता अभी खा लेगी, और यहाँ पे है सलाद जो बनाया है पिता ने, मैंने लगाया है हेयर कलर, लगाऊंगी लगाऊंगी करके लगाना नहीं पड़ा था, फिर आज आपके भैया लगा के दिए हैं हेयर कलर मुझको। चलिए पिता खा लेगी, तब तक मैं नहा के आती हूँ, और मेरा तबीयत मत बताइए गाइस, इतना ज्यादा खराब हो रहा है ना क्या बताएं, ये प्यार के हिस्से में यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे खिंचाव महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, हम लोग बंगाली में बोलते हैं फीक लग गया है, मतलब फीक ले गए, हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, तो यहाँ पे ऐसा पेन फील हो रहा है जिसकी वजह से मैं सही तरह से मतलब वर्क भी नहीं कर पा रही हूँ, सही तरह से मेरे को ऐसे सपोर्ट लेके लेके जाना पड़ रहा है, इतना ज्यादा पेन है। तो बस उसको खाना दे दिया है, अभी मैं नहा के आती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। ये देखो गाइस पिता भी खाने बैठ गई है, और वो ना मतलब गुस्सा हो गई है मेरे से, बोल रही है सिर्फ तुम दिखाती हो मैं खाती हूँ और क्या क्या पूजा करती हूँ, सो जाती हूँ, और कुछ दिखाती नहीं हूँ। उसने सैलड मतलब सैलड काटा, मैंने नहीं दिखाया, ये बोल रही, तो तुम भी खुद भी तो बोल सकती थी मम्मी अभी मेरा एक वीडियो उठा दो, मैं भूल जाती हूँ, और मेरा तबीयत के बारे में भी सोचो, तबीयत भी मेरा ठीक नहीं है, तो दिमाग कैसे चलेगा। देखिए अभी वो खाने बैठ गई है और मैं जाती हूँ नहाने, और आपके भैया के ऊपर सारा काम आ गया है, क्या बोलूँ मैं, चलिए गाइस अभी हम लोग रात का डिनर कर रहे हैं, आज बोला ना वीडियो इतना खड़ा बनना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ही मतलब बना ही नहीं, क्योंकि मेरा भी तबीयत खराब है, आपके भैया तो पूरा दिन काम और काम में लगे हैं, क्योंकि मेरा सारा काम वही कर रहे हैं, और पिता गई थी पढ़ने, 8 बजे आई है, ये 7:30 बजे आई है, तो इस वजह से ज़्यादा आज कुछ वीडियो भी नहीं बना पाई, और मूड भी नहीं अच्छा लग रहा था, आज को रात को और कुछ बनाया नहीं, खाना ऑर्डर किया है, प्लेट कॉम्बो ऑर्डर किया है चाइनीज,
प्रीता ने लिया है वेज नूडल्स एंड वेज मंचूरियन, हमने लिया है वेज राइस एंड वेज क्या बोलते इसको पनीर, चिली पनीर, तो वही खा रहे हैं या के भैया का है वो भी खाएंगे आके। चलिए आज का वीडियो हम लोग यही पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल में भी ज्वाइन ऑप्शन भी दिया हुआ है, प्लीज आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए। ओके चलिए आज के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।